एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में कितने ही सवाल होते हैं। इन सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से और आपको भी इसके बारे में बताते हैं, ताकि अगर आप भी पढ़ाई करते हैं तो उससे पहले यह जान सकें कि आपको एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। सामान्य तौर पर देखा गया है कि छात्रों को एक दिन में कम से कम 4 से 6 घंटा पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर भी पढ़ाई करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसमें कई तरह की फैक्ट हैं जो इस प्रकार हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आपको एक दिन में कितना समय अपनी पढ़ाई को देना चाहिए। और अपनी पढ़ाई करते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह पढ़ाई और केवल पढ़ाई ही कर रहे हैं, और दूसरा कि आप काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दोनों में अलग अलग कारण और समाधान हो सकते हैं। काम के साथ पढ़ाई, अगर आप दोस्तों काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके बारे में आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं कि क्या आपको सुबह उठकर पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए काम के साथ पढ़ाई करने के लिए। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए और दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ाई करने वाले छात्र, अगर आप कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं तो ऐसे में उन छात्रों के पास मौका रहता है कि आप दिन में जितने चाहे घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु यह भी सही है कि ज़्यादा पढ़ाई करने के साथ हमें आराम की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे दिमाग को आराम नहीं मिलता तो हमारी फिजिकल स्थिति या मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको हम एक सलाह दे रहे हैं कि आप दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ाई करें। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है जो इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप कम से पढ़ाई कर